सर, आज के वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लिख रहे हैं? मैं आज के वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में अगर जिसका पेपर आईडीसी इंग्लिश है, तो आईडीसी इंग्लिश का एक पोयम है आपका सोनेट 18। तो सोनेट 18 जिसको कंपोज किए हैं विलियम शेक्सपियर, इसका मैं आज आप लोग को कंप्लीट समरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में। मेरा मकसद है कि आप एग्जाम में फेल मत होइए। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर बाय द वे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो आप एग्जाम में लिख के आइए। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर आपको अदर कोई और भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है, तो कमेंट में जरूर आप लिखिए। व्हाट्सएप में मेरा दिया हुआ नंबर है, उससे जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ इंग्लिश एंड आर्ट। पोएम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, विलियम शेक्सपियर के जीवन के बारे में एक दो शब्द एक्सप्लेन कर देता हूँ। विलियम शेक्सपियर, जिनका जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1616 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड के एक बहुत बड़े एक नाटककार हैं। यहाँ तक कि ये पोएट भी थे, यहाँ तक कि एक अभिनेता भी थे, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का सबसे महान लेखन और विश्व के लिटरेचर में इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। विलियम शेक्सपियर का जन्म, इनका जन्म स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ। उन्होंने लगभग 39 नाटक, मीन्स 39 ड्रामास लिखे थे, 154 सोनेट्स लिखे थे, और यहाँ तक कि इन्होंने कई कविताएं लिखी थी। उनके कुछ फेमस ड्रामा का नाम है हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर और रोमियो और जूलियट। अब मैं आप लोगों को पोएम स्टार्ट कर रहा हूँ। पोएम जो है आपका फोर्थ फोर्थ स्टेंजा में फिनिश हो गया है। प्रथम स्टेंजा में विलियम शेक्सपियर कंपोज कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर यह सोनेट नंबर 18 इनका जीवन का जो है प्रसिद्ध फेमस पोएम है, जिसमें कवि ने अपने प्रिय की सुंदरता का तुलना गर्मी के, मीन्स समर के मौसम से करते हैं। हालांकि कवि तुरंत ही इस तुलना को खारिज कर देते हैं, क्योंकि गर्मी का जो खूबसूरती होता है कभी अस्थिर होता है, कभी अस्थाई होता है, जबकि उनके मित्र का जो खूबसूरती होता है एकदम अस्थाई होता है। नेक्स्ट, कवि बताते हैं कि कवि के दिन, गर्मी के दिन में छोटा छोटा दिन होता है और टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है, और सूरज कभी कभी बहुत तेज या बहुत मंद हो जाता है। इसके विपरीत उसके प्रिय दोस्त की सुंदरता हमेशा एक समान बनी रहती है और समय के प्रभाव से कभी नहीं घटती है। कवि ये भी बताना चाहते हैं कि उनका विचार ये भी है कि मेरा मित्र एक समय ऐसा आएगा मृत्यु के बाद में सारी दुनिया उनकी सुंदरता के बारे में भूल जाएगा, लेकिन कवि ऐसा होना नहीं देता है। कवि क्या करता है, अपने मित्र का सारी खूबसूरती सुंदरता अपने इस कविता के माध्यम से एक्सप्लेन कर देता है। अंत में कवि इस कविता का लास्ट लाइन में ये मेंशन किए हैं कि जितना बार इस पृथ्वी में मेरा यह कविता सोनेट नंबर 18 सभी कोई पेज को ओपन करके जब पढ़ेगा, बार बार मेरे मित्र का सुंदरता और मेरे मित्र का प्रेम की भावना फिर से जिंदा लेगी। यह सोनेट नंबर 80 एक ऐसी कविता है जो प्रेम, सुंदरता और अमरता के विचारों को व्यक्त करता है। यहाँ पर पोयम फिनिश हो जाता है। आपको यह पोयम कैसा लगा, प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक स्टूडेंट को शेयर करना ना भूलें। मेरा मकसद है आप एग्जाम में पास हो जाइए।